बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर अजहर चौगताई है। बच्चों के डॉक्टर के तौर पर काम करता हूँ मैंने, और आज जिस मौजू पे आपसे बात करना चाहता हूँ, ये किस्मत मौसम जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो रहा है शहर के अंदर। रात थोड़ी सी खुनकी हो जाती है, ठंडक हो जाती है, और दिन में जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसकी बुनियाद पर दो बड़े अजीब गरीब मौसम है कि आप दोपहर में अगर निकले तो आपको गर्मी लगती है, और सुबह सुबह निकले या लेट नाइट निकले तो सर्दी होती है। ऐसे मौसम में जब कराची शहर के अंदर आप बच्चों को लेके निकलते हैं, और खास तौर पर वो खवातीन जो बच्चों को मोटरसाइकिल पर लेके निकलती हैं, तो वो उनके लिए चंद हिदायत बेचारों के दे दी जाए कि एक तो शहर के अंदर तामीराती वजह से बहुत सारी सड़कें खुदी हुई हैं, तो धूल बहुत ज्यादा है, मौसम जो है वो थोड़ा सा खुन खोने की वजह से ठंडक थोड़ी सी शाम के औकात में यानी कोई 8-9 बजे और सुबह सुबह के औकात में होती है। तो ऐसे मौसम में आपको चाहिए ये कि आप बच्चों की हिफाजत के ख्याल से अगर उनको जो है जब बाइक पर लेके निकल रहे हैं या रक्शे में बैठ के निकल रहे हैं, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके कानों को उनकी टोपी से ढक दिया करें। इसी तरह अगर आप किसी धूल वाले इलाके में जा रहे हैं कि जहां पे आपको अंदाजा है कि धूल में से गुजरना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आपके अगर अपना दुपट्टा बच्चे की नाक पर, क्योंकि बच्चा मास्क तो नहीं लगाता, बहुत छोटा बच्चा, तो अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको मास्क लगाए जा सकते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो उनको अगर दुपट्टा उनकी नाक पर डाल दिया जाए तो कम से कम ये हो कि डायरेक्ट धूल या डायरेक्ट ठंडक नाक के रास्ते उनके जो है वो चेस्ट में नहीं जाएगी, और वो छींकने खांसने या जिसको पतली चलना कहते हैं इस किस्म के अमराज से बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।